हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंजार। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। बाहुबली का टाइटल एनिमेशन हमें बनाना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पीछे वाली चीजें हैं ये 3D हैं और ये जो आगे वाली चीजें हैं ये कॉम्पोजिट की गई है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये पूरा सीन नहीं बनाने वाले, हम लोग एक छोटी सी ट्रिक करके ये पूरा एनिमेशन बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर ये कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट, और हम लोग इसके अंदर 3D यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को 3D टेक्स्ट वगैरह बनाना है तो आप लोग माया, मैक्स या सिनेमा 4D, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा ट्रिक करने वाले हैं। हम लोग इसे पहले तो यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे, जहाँ पे नाम आता है वहाँ से हम लोग इसे स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उतना सीन अपना अलग से रख सकते हैं। लेकिन जितना है उसे हम स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पे उसे मास्क आउट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने डाउनलोड किए हैं कैरेक्टर्स, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बाहुबली के कैरेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हो। इन्हें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जैसे कि देखो ये PNG फॉर्मेट है तो मैं इन्हें डायरेक्टली अपनी कॉम्पोजिशन में डाल देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं, आप लोग ये डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ये डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट इन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ, जो जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे नाम लिखना है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये A to Z कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे तो हम लोग इसे 3D में पूरा का पूरा सीन को बना सकते हैं, लेकिन 3D सीखने में टाइम लगता है। 3D के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, रेंडरिंग, टेक्सचरिंग वगैरह, तो उतनी चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं आपको जल्दी जल्दी मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं सीखोगे। मैं इसे 3D कर लेता हूँ, इनके जो एंकर पॉइंट है वो नीचे सेट कर लेता हूँ ताकि ये नीचे से उठें। एंकर पॉइंट जहाँ भी होगा वहीं से उसका रोटेशन, स्केल और पोजीशन का चेंज होता है, इसलिए आप लोगों को उसे एडजस्ट करना आना चाहिए। तो इसे हम लोग नीचे एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये यहाँ से उठना शुरू हो। अब मैं इनकी एक्स पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे होगा फिर इसे मैं उठा लेता हूँ। तो जस्ट आप लोग इसे एनिमेट कर सकते हो और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको एनिमेशन चाहिए आप लोग यहाँ पे वो एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देखो ये काफ़ी अच्छा हद तक आपकी एक चीज़ बना देगा। आप लोग ये टाइटल्स डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप लोग मेल फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी काफ़ी हद तक सेम ही फॉन्ट है, उससे भी आप लोग ये चीज़ें बना सकते हो, लेकिन उसे आपको टेक्सचर करना पड़ेगा। मैं आगे आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा, एलिमेंट 3D का यूज़ करके हम लोग इन सारे एलिमेंट्स को 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उन्हें कुछ अलग तरीके से भी आप लोग टाइटल बना सकते हो। अब मैं एक जस्ट एडजस्टमेंट लेयर बना लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे स्मोक दिखाना है, जो स्मोक उसके अंदर दिखता है इसके आने के बाद वो मुझे दिखाना है। तो मैं इस पर अभी ट्रैप कोड का पर्टिकुलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसके डिज़ाइनर में जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ प्रीसेट्स पे जाना है, और यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ जो भी मुझे रिक्वायर्ड है, मैं वो सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये स्मोक है, तो ये स्मोक कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसे इस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ ताकि वो स्मोक उस सीन पे वैसा लगे। मैं अभी इसे जस्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसा भी आपको चाहिए। एडजस्टमेंट लेयर में जब भी आप लोग काम करते हो तो वहाँ पे एक आइकन होता है, उसे आप लोग ऑफ कर लो ताकि वो कॉम्पोजिट हो जाए बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे 3 लेयर्स बनी है, मास्टर कलेक्शन है, यहाँ पे मास्टर लेयर है और उसके नीचे 2 लेयर हैं। तो हम लोग इसके अंदर यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अभी कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपने डिज़ाइनर के अंदर, लेकिन मुझे इसे कॉम्पोजिट करना है। अब तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसा आपको चाहिए। ग्रिड अगर आप लोग करते हो तो आप लोग ग्रिड के अंदर भी इसे उठा सकते हो। तो अभी के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो अभी सीन मेरा कुछ इस तरह से लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों के कंट्रोलर है, मैं इन्हें एनिमेट कर सकता हूँ। तो जैसे अब देखो मैंने सीन यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लिया है, मैंने इसे इस तरह से एनिमेट भी कर लिया है। आप लोग की फ्रेम लगा के कुछ भी एनिमेट कर सकते हो। तो मैंने इसे इस तरह से यहाँ पे एनिमेट कर लिया है, और ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर कुछ और की फ्रेम्स यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। आपको अगर एमिटर की पोजीशन नहीं दिख रही है तो आप लोगों को मास्टर लेयर सिलेक्ट करना है डिज़ाइनर के अंदर, इसलिए आप लोग वो नहीं देख पाते हो, ये ध्यान रखना। तो भी इस तरह से देखो यहाँ पे फॉग कुछ बन रहा है। इसे आप लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का सिस्टम अच्छा नहीं है, कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो ये काफ़ी टाइम लगा सकता है रेंडर होने में। अब इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं, एंड में जाके ये ख़त्म हो जाएगा। उस तरह से आप लोग पार्टिकल काउंट भी कम कर सकते हैं, और इस तरह से आप लोग इसे एनिमेट कर सकते हैं। टिंट लगाने के बाद आप लोग उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे सारे वाइट्स को पकड़ेगा और उसे यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो देखो अभी सीन कुछ इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है।
अब ये पूरी तरह से 3D नहीं है, 3D के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, लेकिन 3D जब आप करते हो तो उसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप लोगों को ईजी तरीके से ट्रिक से मैं दिखा रहा हूँ। तो अब ये देखो मेरा सीन कुछ इस तरह से यहाँ पर लग रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक न्यू कॉम्प बनाते हैं और उसके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स डाल देते हैं। अब देखो मेरे पास सारे कैरेक्टर्स हैं, इन्हें सबको मैं सिलेक्ट करके लेयर में ऑटो ट्रेस कर दूंगा। ऑटो ट्रेस से क्या होता है, ये सारे के सारे मास्क बना देगा एक अलग से लेयर में, ताकि मैं इन्हें एलिमेंट 3D के अंदर यूज़ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स देख सकता हूँ, मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ट्रेस कर देगा मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि मेरा एलिमेंट 3D मास्क को उठाता है या आपके टेक्स्ट को उठाता है, लेकिन वो फोटोज़ को डायरेक्टली नहीं उठाता है एक्सट्रूड करने के लिए, तो आपको मास्किंग करनी होती है। तो अब जब मैं मास्क कर रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं किसी भी करेक्टर के अंदर, तो उन्हें मुझे थोड़ा थोड़ा सही करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे ताकि वो मेरे एक्सट्रूड में प्रॉब्लम ना करें। जितने ज़्यादा कंजस्टेड पार्ट होंगे आपके मास्क के अंदर, उतनी प्रॉब्लम आती है एक्सट्रूशन में, एक्सट्रैक्ट करने में 3D के अंदर। तो मैंने जस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपने हिसाब से इन्हें डिलीट कर सकता हूँ, सारे के सारे पॉइंट जो बेकार पॉइंट्स हैं जो नहीं चाहिए उन्हें मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। ये मैं सारे के सारे करेक्टर्स के लिए एक बार कर लेता हूँ। आप लोग अपना टाइम लगाओ, अगर आप लोगों का ट्रेस सही से हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली उसे जाके एक्सट्रूड कर सकते हो। तो अब ये कम्प्लीट हो चुके हैं, मैंने सारे के सारे टेक्स्ट को सही कर दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें रीनेम पहले कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू सॉलिड लेयर बना लेता हूँ और उसके अंदर एलिमेंट 3D का इफेक्ट लगा देता हूँ। वीडियो कोपायलट का एलिमेंट 3D हम लोग यूज़ कर रहे हैं 3D के लिए आफ्टर इफेक्ट के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोगों को एलिमेंट 3D के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कस्टम लेयर्स के अंदर मैं अपने नाम के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो कस्टम लेयर जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं जब एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लेयर आ जाता है। मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ जितना बड़ा मेरा नाम है। यहाँ पे आप देखो जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोग कस्टम लेयर का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर वो क्या करेगा, वो जिस लेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे एक्सट्रूड कर देगा ऑटोमेटिक। तो देखो मैंने जितने नाम है यहाँ पर मैंने उन्हें एक्सट्रूड कर लिया है, एल रह गया, तो मैं इसे एक और डुप्लीकेट करके कस्टम पाथ यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर से एक्सट्रूड कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर पे रख के भी एक्सट्रूड कर सकते हो। इन सब एलिमेंट्स को एक जगह पे ऐड करना है, सही से रखना है। यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता हूँ फ्रंट पे, ताकि मैं इन्हें डायरेक्टली अच्छे से कर पाऊँ। मैंने थोड़ा लाइन के ऊपर रखना चाहता हूँ ताकि मेरे जो प्रॉब्लम ना दे मुझे बाद में 3D के अंदर, तो इस लाइन के मिड लाइन के ऊपर मैंने रखता हूँ। तो इस तरीके से मैं इन सभी को सेट कर लेता हूँ। मुझे इन्हें टेक्सचर करना है, जो भी मेरे पास यहाँ पे ये फॉन्ट्स पड़े हैं उनका टेक्सचर ही मैं डायरेक्टली 3D के अंदर लगा पाऊँगा। तो यहाँ पे डिफ्यूज़ के अंदर जब आप लोड टेक्सचर करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कस्टम लेयर्स भी होती हैं। तो हम लोग वापस जाएंगे, पहले तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे सीन के अंदर प्रॉपर ये एक जगह पर आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं जब इसके नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर कस्टम टेक्सचर्स भी होते हैं। यहाँ पर मैं टेक्सचर सिलेक्ट कर लूँगा अपने हिसाब से, जो भी मेरे यहाँ पे PNG मैंने रखे हैं अपने सीन के अंदर वो यहाँ पे मुझे दिखाएगा। मैं उन्हें टेक्सचर को यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वापस जाता हूँ मैं अपने सीन सेटअप में। सीन सेटअप में जब मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ डिफ्यूज़ के अंदर जाऊँगा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं, लेकिन जब मैं इसे अपडेट करता हूँ तो मेरे सारे के सारे करेक्टर्स के ऊपर एक ही टेक्सचर लगा है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यहाँ प्रीसेट्स के अंदर मटेरियल्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक बेसिक मटेरियल यहाँ पे डाल देता हूँ, एक बेसिक से अलग से टेक्सचर डाल देता हूँ, ताकि मैं सारे टेक्सचर्स अलग से यहाँ पे डाल सकूँ। सब लेटर्स के टेक्सचर अलग हैं इसलिए मुझे ये अलग से डालना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अभी इसे टेक्सचरिंग करना। डिफ्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्सचर M, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अब आप देखो जो मेरा M है वो मुझे यहाँ पे सही नहीं दिखा रहा है, तो मुझे इसका ऑफसेट और यहाँ से साइज़ चेंज करके मुझे इसे एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रॉपर 3D के अंदर UV टेक्सचरिंग होती है और पूरा साइज़ के हिसाब से वो होता है, लेकिन इसके अंदर हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो उस तरीके से नहीं किया गया है। तो मैं जस्ट इसे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि मेरा ये थोड़ा पूरा मेरा जो एरिया है उसे फिल कर ले। तो अभी इसे मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ और इसे ऑफसेट से मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ,
तो अब देखो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके पे क्लिक कर दो तो एम मेरा यहाँ पे देखो आप कंप्लीट देख सकते हो। अब ए को हम लोग टेक्सचर कर लेते हैं, सेम तरीके से हम लोग उसका यूवी टेक्सचरिंग यहाँ पे करेंगे। वैसे ही सेम तरीके से आप लोगों को सबके लिए करना है, जितना भी बड़ा आपका नाम है उनके लिए आप लोगों को इस तरह से करना है। अब ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरा ये सारा टेक्सचर यहाँ पे हो चुका है। मैं यहाँ पे एक लाइट लगा सकता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो मेरे सीन को कुछ लाइट अप करेगा। तो इस तरीके से हम लोग एनिमेट कर सकते हैं अभी हमारे 3D ऑब्जेक्ट को। तो ये तो आप लोग अभी सीन के अंदर, अभी इसके साथ आप लोग 3D के अंदर जो भी करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ ग्रुप के अंदर जाता हूँ, मल्टी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और उन्हें अनेबल कर देंगे। अब इससे क्या होगा, मेरे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं MANDYAL ये सारे के सारे मल्टी ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, अलग अलग से मैं इनके ऊपर काम कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग ट्विस्ट या कुछ और भी डिफॉर्म जैसी चीज़ों को लगा के भी इसे एनिमेट कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को अभी इसे जस्ट रोटेशन इसका एनिमेट करना है। बाकी अब आप लोग इसके अंदर जो भी करना चाहो आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हो, लेकिन हम लोग कुछ और भी ट्राई करने वाले हैं। तो हम लोग बाहुबली 2 का यहाँ पे देखते हैं कि 2 हम लोग इस पे कैसे लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट इस पिक्चर को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कोई भी इंटरनेट से उठा के, और इसे जस्ट मैं फोटोशॉप में खोल लेता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ से इसे 2 को यहाँ से उठाना है, तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट करके जितना एरिया है उतना सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो या आप लोगों के ऊपर, आप लोग इसे अगर यहाँ पे प्रिसाइजली करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या तो आप इसे सिलेक्ट करके बाद में डिलीट कर सकते हो, बाकी का जो फालतू एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो डिलीट कर सकते हो। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे न्यू लेयर पे लेके चला जाता हूँ। अब देखो अब जितना भी एरिया मेरा फालतू है यहाँ पे मैं इसे यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इसे इरेज यहाँ पे कर सकता हूँ, या आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप लोगों को प्रिसाइजली कट करना है तो भी आप कर सकते हो। बीच की चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग क्लोन स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग साइड से क्लोन उठाएंगे और यहाँ पे उसे जस्ट उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजी एक टेक्निक है। अगर आप लोग फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो आप fxmandyal.com पे जाओ और वहाँ पे साइन अप कर लो। अपना जो स्टार्टिंग के अंदर ईमेल एड्रेस आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो, आप लोगों को मेल लिंक आएगा, वहाँ पे हम लोग सीखना शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टली लाइव क्लासेस से हम लोग सीखना शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालो, आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे। जिस भी क्लास में आप लोग जाना चाहते हो उस क्लास के हिसाब से आपको लिंक मिल जाएंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए वो आप लोग साइन अप कर सकते हो अभी के अभी fxmandyal.com पे। तो जस्ट इसे मैं क्लोन स्टैम्प से यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अभी ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं जस्ट इसे सेव कर लेता हूँ SPNG में, इसे सेव कर लेता हूँ। अब वापस चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जब मैं सीन के अंदर जाता हूँ यहाँ पे मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ 2 को, तो मैं जस्ट इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेम तरीके से हमें क्या करना है, हम इसे अपने कंपोजिशन में डालना है, ऑटो ट्रेस करेंगे। ऑटो ट्रेस होने के बाद मैं इसे एलिमेंट 3D के अंदर जाके वहाँ पे उसे एक्सट्रूड करने वाला हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि मेरा जो फोटो है वो इतना क्लियर नहीं है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके मास्किंग के अंदर, तो आप लोग उसे हमेशा सही कर सकते हो। तो हम लोग फिर से जाते हैं अपने सीन सेटअप के अंदर एलिमेंट 3D के। हम लोगों ने उसे टेक्स्ट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे एक्सट्रूड भी कर लिया है। सेम तरीके से आप लोगों को ये करना है। तो अब जस्ट इसे मुझे एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है, तो मैं जस्ट इसे एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। अब देखो मैं यहाँ पे ग्रुप जो है वो एक और बनाने वाला हूँ, यहाँ पे एक मैं न्यू ग्रुप बना लेता हूँ। अब इसका क्या फ़ायदा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ग्रुप 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं ये वाला यहाँ पे एलिमेंट डाल लेता हूँ। तो ग्रुप 1 के अंदर मैं मंडियाल है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर मेरा सिर्फ 2 है, तो मैं ओके कर लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे जब आप चाहते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग 5 ग्रुप्स बना सकते हो एलिमेंट 3D के अंदर। तो इससे मेरा एनिमेशन जो है दोनों ग्रुप्स के ऊपर वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो भी आपको दिखते हैं जैसे कि रोटेशन और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसका जो रोटेशन है वो कुछ यहाँ से हो रहा है, तो आप वापस सीन सेटअप में जाओ। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मिडल में नहीं है। अगर आप देखो तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो ये इसका मिडल पॉइंट है। इसे आप जस्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लो ताकि ये बिल्कुल मिडल से हो। जब आप पर्सपेक्टिव में जाते हो तो आप देख सकते हो ग्रिड कहाँ पे है और इसका मिडल पॉइंट कौन है। यही देखो, अब देखो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, तो आप लोग पोजीशन यहाँ से सेट कर ही सकते हो, लेकिन अब आपका रोटेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, अब आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी रोटेशन के अंदर। देखो अभी रोटेशन बीच से हो रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है, ध्यान रखनी होती हैं कि कहाँ से हम लोग उसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे उसे रोटेट कर रहे हैं। अब मैं इसे 2 को एनिमेट कर लेता हूँ।
मंडल को मैं ऑलरेडी एनिमेट कर चुका हूँ, मैं इसका साइज पोजीशन जी को एनिमेट कर लेता हूँ, इसे बहुत आगे से लेके आ सकता हूँ। तो ये बिल्कुल एक फिल्मी टाइटल यहाँ पे बन जाता है। अगर आप लोग सिनेमैटिक टाइटल्स बना रहे हो अपनी वीडियोस के लिए, मूवीज़ के लिए, तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल है एलिमेंट 3D। एलिमेंट 3D के अंदर काफ़ी सारे सिनेमैटिक इफेक्ट्स आप लोग बना सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ और कई सारी 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो जस्ट इसे मैं अभी एनिमेट कर लेता हूँ और ये सीन मेरा कुछ अभी इस तरह से लग रहा है। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 3D के अंदर हम लोग कैसे इन्हें टेक्सचर करते हैं और कैसे हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी ये किए मैंने इफेक्ट बना लिया है, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक और ट्रिक सीख सकते हो। आप जब फाइल मेन्यू के अंदर जाते हो, वहाँ न्यू के अंदर आप लोग सिनेमा 4D सिलेक्ट कर सकते हो। सिनेमा 4D जब आप लोग सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप लोगों को सेव करने को बोलेगा। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, इसलिए मैं जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे आप लोग ये फाइल बनाते हो तो सिनेमा 4D लाइट वर्जन अपने आप इंस्टॉल हुआ होता है आफ्टर इफेक्ट के साथ। ये इंटरनल है तो आप लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने मोशन ग्राफिक्स के अंदर, और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली 3D भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रिएट में जाना है। क्रिएट के अंदर स्प्लाइन के अंदर आप लोगों को टेक्स्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आप जब सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग उसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाहुबली लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बाहुबली का फॉन्ट डाउनलोड किया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, यहाँ पे बाहुबली का काफ़ी अच्छा फॉन्ट यहाँ पे है। मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे उसके अंदर रख लेता हूँ, तो ये ऑलरेडी एक्सट्रूड हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग 3D शुरू कर चुके हैं। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को कैसे उसे एक्सट्रूड करना है, कैसे उसे बेवल करना है, आप लोगों को इसे टेक्सचर करना है, रेंडर करना है, लाइटिंग करना है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो हम लोगों ने आज इसके अंदर 3 इफेक्ट्स भी देख लिए और आप लोगों ने एक अच्छा सा टाइटल भी यहाँ पे बना लिया। आप लोग उसे बनाओ और उसे पोस्ट करो, FX मंडल को टैग करो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हम लोग उसे ज़रूर देखेंगे। और भी चीज़ें जानने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को और क्या क्या सीखना है। और अगला वीडियो भी आने वाला है कैमरा मूवमेंट के साथ, क्योंकि कैमरा मूवमेंट्स के ऊपर काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, कैमरा शॉट्स के ऊपर काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि कैमरा मूवमेंट्स के बारे में भी बात की जाए। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो है कैमरा मूवमेंट्स के ऊपर। कीप वॉचिंग FX मंडल, कीप सपोर्टिंग, और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।